दोस्तों, रामायण के बारे में तो हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा तक जानता है। रामायण में श्री रामचंद्र जी का जन्म, उनका राक्षसों को मारना, धनुष तोड़ना, माता सीता से विवाह करना और 14 साल का वनवास भोगना, इन सभी के बारे में तो हमें बचपन से बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर श्री राम का अंत में क्या हुआ, कैसे त्रेता युग खत्म हुआ और श्री राम ने अपनी देह को कैसे त्यागा? क्या श्री राम का किसी ने वध किया था या फिर अपनी इच्छा से उन्होंने इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया था? आखिर क्या हुआ था अंतिम समय में श्री राम के साथ? अगर आप इन सभी सवालों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रामायण के अंतिम चरण में श्री राम ने अपनी देह को कैसे त्यागा था और उसके पीछे की दिलचस्प कहानी क्या थी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है दीपकास बॉक्स में। दोस्तों, रामायण भले ही हिंदू धर्म का ग्रंथ हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां पर रामायण को अलग अलग रूप में पूजा और पढ़ा जाता है। और तो और, दुनिया के ही एक देश थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है और यहां पर रामायण के राम की इन स्वरूप को पूजा जाता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण ही सबसे ज्यादा प्रचलित और वास्तविक मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा कंभ रामायण, संजीवनी रामायण, अद्भुत रामायण और राम की एन रामायण को भी मुख्य तौर पर अलग अलग देश में अलग अलग कहानियों के रूप में पढ़ा, समझा और हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी की और तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस पढ़ते समय हमें आखिरी कांड यानी कि उत्तराकांड में ये बताया जाता है कि अंत में जब माता सीता ने धरती में समाधि ले ली थी, उसके बाद माता सीता के वियोग में श्री राम की तीनों माताओं ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद अपने पुत्र लव और कुश सहित अपने भाइयों और उनके बच्चों में राजपाट का बंटवारा करने के बाद श्री राम ने 1100 साल तक अयोध्या पर राज किया। लेकिन इसी बीच में धरती पर उनका समय पूरा हो चुका था, तो ब्रह्मदेव ने यमराज से श्री राम को उनकी देह त्याग और धरती पर उनके अवतार के पूरे समय के बारे में बताने के लिए भेजा। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब हनुमान जी के डर की वजह से यमराज अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और जब यमराज ने मन ही मन में नारायण के अवतार श्री राम का ध्यान किया और उन्हें ये सब बताया, तो श्री राम ने अपने महल के फर्श के छेद में अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को अपनी अंगूठी वापस लाने के लिए पाताल लोक भेजा, जहां हनुमान को ये समझ आया कि ये संसार और श्री राम का रूप अस्थिर है। लेकिन जिस समय हनुमान जी अयोध्या में नहीं थे, मौका पाकर यमराज साधु का वेश बनाकर श्री राम से मिलने गए और यमराज ने श्री राम से कहा कि जब तक हमारे बीच में बातचीत होती है, तब तक अगर किसी ने हमें बीच में टोका या हमारी बातचीत के बीच में विघ्न डाला तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये सुनने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को पहरेदार बनाकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया और यमराज श्री राम जी से उनसे धरती पर अंतिम समय पूरा होने के बारे में बात करने लगे। इस समय श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या में ऋषि दुर्वासा आए और लक्ष्मण जी से श्री राम से मिलने के लिए कहने लगे। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि अभी श्री राम एक गुप्त चर्चा कर रहे हैं और उनसे नहीं मिल सकते। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए और कहने लगे कि अगर आपने मुझे श्री राम से नहीं मिलने दिया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा। तब लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मुझे मृत्यु दंड मिलने से पूरी अयोध्या नगरी बच सकती है तो यह घाटे का सौदा नहीं है, और कक्ष में जाकर श्री राम से कहने लगे कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं और अगर मैं आपकी वार्ता में विघ्न नहीं डालता तो वो पूरी अयोध्या को श्राप दे देते। लेकिन लक्ष्मण जी को वहाँ देखते ही यमराज तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ऋषि दुर्वासा से भेंट करने के बाद श्री राम ने सोचा कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन अपने खुद के भाई को मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ। तब उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने अपनी दुविधा रखी। तब मंत्रीगणों ने उन्हें सलाह दी कि आप लक्ष्मण जी का परित्याग कर दीजिए,
क्योंकि किसी का परित्याग करना मृत्यु दंड के समान ही है। और उनकी सलाह से श्री राम ने लक्ष्मण जी को देश से निकाला दे दिया और उनका परित्याग कर दिया। श्री राम के परित्याग के बाद लक्ष्मण जी ने दुखी होकर सरयू के जल में जल समाधि ली। जब श्री राम को लक्ष्मण जी के देह त्याग के बारे में पता चला तो उन्होंने भी निश्चय किया कि जब उनकी पत्नी और उनका भाई ही यहाँ नहीं है तो उन्हें भी अपनी देह त्याग देनी चाहिए और एक निश्चित समय पर उन्हें सरयू के जल में ही जल समाधि लेने का निश्चय किया। तभी उनके साथ जाम्बवत, विभीषण, शत्रुघ्न, भरत और हनुमान जी भी जाने को तैयार हुए, लेकिन श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि उन्हें कालांतर तक इस पृथ्वी पर रहना है और श्री राम का नाम चारों तरफ फैलाना है। और इसके बाद बाकी सभी के साथ जब श्री राम सरयू के निकट पहुँचे तो उन्होंने जल समाधि ली और नारायण का स्वरूप लेकर बैकुंठ को प्रस्थान किया। ये देखकर पूरी अयोध्या वासी उनके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन आपको बताते चलें कि श्री राम के समाधि लेने से पहले अयोध्या के लोग भी उनके साथ जाना चाहते थे, इसीलिए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। और जो लोग श्री राम के साथ सरयू के जल में समाहित हुए उन सभी को श्री राम ने अपने बैकुंठ में स्थान दिया था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से श्री राम ने अपनी देह का त्याग किया और अपने त्रेता युग में राम अवतार के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करके अगले युग की नींव रखी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ये जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।